गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द ट्रू ब्यूटी के बारे में, जो एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कविता है। इसमें कवि ने दो प्रकार की सुंदरता का वर्णन किया है। पहली है फिजिकल ब्यूटी अर्थात शारीरिक सुंदरता, और दूसरी है स्पिरिचुअल ब्यूटी अर्थात आध्यात्मिक सुंदरता। इसमें कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है। तो आइए इस पोयम के बारे में जानते हैं, द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, जिसे लिखे हैं थॉमस कैरी। तो आइए यहां से देखते हैं। पोएट कहता है ही दैट लव्स ए रोजी चीक। ही मतलब वह जो प्रेम करता है रोजी चीक मतलब गुलाबी गालों से, वह जो एक गुलाबी गालों से प्यार करता है, आर ए कोरल लिप एडमायर्स। आर मतलब या, एक कोरल लिप मतलब मूंगे के समान लाल लाल होठों का, एडमायर्स मतलब प्रशंसा करता है। कवि एक प्रेमी के बारे में लिखता है कि वह व्यक्ति, वह प्रेमी जो एक अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या उसके मूंगे जैसे लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोंट सीक। आर फ्रॉम मतलब या फिर स्टार लाइक आइज, सितारों के समान आंखों में दोत सीख, दोत का मतलब हो जाएगा डज, सीख मतलब तलाश करता है, फ्यूल मतलब ईंधन की तलाश करता है, टू मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स अपनी अग्नि को, अर्थात वह उन सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके। कवि कहता है कि एज ओल्ड टाइम मतलब पुराना समय जब आएगा या समय के साथ साथ, मेक्स दिस डीके, डीके का मतलब होता है नष्ट होना, समय के साथ साथ ये चीजें नष्ट हो जाएंगी, अर्थात जो उसकी सुंदरता है वह गायब हो जाएगी। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। और जो उसकी फ्लेम्स मतलब ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे मतलब अवश्य नष्ट हो जाएगी, मतलब उसकी जो शारीरिक सुंदरता है जैसे गुलाबी गाल है, लाल होठ है तथा सुंदर आंखें हैं, समय के साथ साथ ये चीजें नष्ट हो जाएंगी। बट ए स्मूथ, लेकिन एक स्मूथ मतलब एक समान रहने वाला, एन स्टीड फास्ट माइंड, और दृढ़ मस्तिष्क, एक समान और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स और सुंदर विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत, काम का मतलब हो जाएगा शांत, डिजायर्स मतलब इच्छाएं, और शांत इच्छाएं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और वो हृदय विथ इक्वल लव जिनमें दोनों तरफ से बराबर प्रेम हो, कंबाइन मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, जो अपने नेवर डाइंग फायर्स मतलब कभी भी न बुझने वाली अग्नि को किंडल मतलब बनाए रखते हैं। हुवेयर दिस आर नॉट, और कभी कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सारी चीजें नहीं है, अर्थात जहां पे एक सरल और दृढ़ मस्तिष्क नहीं है, सुंदर विचार नहीं है, शांत इच्छाएं नहीं है, और बराबर प्रेम नहीं है। आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूं, लवली चिक्स उन गुलाबी गालों से, आर लिप्स मतलब होठों से, आर आईज मतलब उन आंखों से, अर्थात जहां पे ये सारी चीजें नहीं है वहां मैं इन सब चीजों से नफरत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह पोयम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसको पढ़ने के बाद में आपको आभास भी हो गया होगा कि ट्रू ब्यूटी क्या है।